नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले कप्तान हार्दिक पांड्या की होने वाली अग्नि परीक्षा। जिस टीम के सामने हार्दिक ने किया था अपना कैप्टनसी डेब्यू, उसी के सामने कप्तान हार्दिक पांड्या फिर संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। यह दोस्तों बहुत जल्द शुरू होने वाला है भारत और आयरलैंड के बीच घमासान। बीसीसीआई ने जारी किया पूरा शेड्यूल, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, क्या रहने वाली है भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती, बताएंगे इस वीडियो में, देंगे आपको खबर की पूरी जानकारी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हो हार्दिक पांड्या को एक धाकड़ कप्तान, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों साल 2023 क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। इस साल क्रिकेट का रोमांच सबके सर चढ़कर बोलने वाला है। साल के शुरुआत से जीत के रथ पर सवार टीम इंडिया बांग्लादेश और कीवियों को रोंदने के बाद अब टीम इंडिया के सामने दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया चुनौती लेकर खड़ी है। इसके बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में रोमांच की सभी हदें पार होने वाली है। लेकिन दोस्तों ये तो महज एक शुरुआत है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद पहले आईपीएल का दौरा आएगा, उसके बाद वेस्टइंडीज के दौरे में टीम इंडिया की कड़ी परीक्षा ली जाएगी। तो वहीं एशिया कप के साथ साथ टीम इंडिया विश्व कप में हाथ आजमाएगी। लेकिन इसी बीच कप्तान हार्दिक पांड्या को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें भारतीय टीम अगस्त के मध्य में एक और दौरे के लिए तैयार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज खेलेगा। जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ कांटे की टक्कर के बाद आयरलैंड का दौरा होने की संभावना है। आपको बता दें कप्तान हार्दिक पांड्या ने जून 2022 में आयरलैंड में अपनी भारतीय कप्तानी की शुरुआत की थी, जिसमें भारतीय टीम ने 2-0 से सीरीज को अपने नाम किया था। दोस्तों आपको बता दें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों को इस दौरे के लिए आराम दिया जाएगा। वहीं हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया की कमान सौंपी जाएगी और इस सीरीज में युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मुकाबले को कौन अपने नाम करने वाला है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।